Hi, Assalamu Alaikum friends, and welcome to Raja Rahman Official. Hope you are all fine and I am also fine. Today मैं आपके लिए Adobe Photoshop से रिलेटेड ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बिग लार्ज कैटेगरी दूंगा स्टाइल्स की, जो कि इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा. तकरीबन 120 MB की फाइल होगी, आई थिंक सो. सो उसको आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लें. अगर आपने इसका पार्ट वन देखा हुआ स्टाइल्स का, तो आपको पता होगा कि आपने स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ करना है. पर इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं. अगर आपने उस फोल्डर को डाउनलोड किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो इसमें मज़ीद और ज़्यादा आगे बिगिनर फाइल्स हैं, जिनमें 10 लेयर स्टाइल, 15 लेयर स्टाइल, एरो, एलियन, ब्लैक हेवन, कलर्ड मेटल्स का हर कैटेगरी का इसके अंदर स्टाइल मौजूद है. मेटल थीम लावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. आप उनको विनरार में डायरेक्टली ओपन करके उनको देखें. उनमें हर एक के अंदर सैम्पल पड़ा हुआ है, पिक्चर फाइल में, और PSD फाइल भी पड़ी है, और ASL फाइल भी पड़ी है. देख सकते हैं कि मेटल्स का ये डिज़ाइन है हर एक कैटेगरी का. वेरी अब ग्लास डिज़ाइन भी हैं इसमें, स्टाइल्स भी हैं जिनको आप ये यूज़ कर सकते हैं. कुछ फाइल्स में भी करप्ट हों, पर मेरे पास तो ऑलरेडी पहले वो काम कर रही थी. देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसी को फैंटेसी स्टाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और देन मैं अपना फोटोशॉप ओपन करता हूँ. ये डेस्कटॉप पे मैंने फैंटेसी स्टाइल्स को कॉपी कर लिया है. ये चीज़ें मैं आपको इस वजह से फ्री दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरा Adobe Photoshop का ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स पूरा मुकम्मल देखा है, और वो जो कि फ्री में था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, जिसमें मुझे और हिम्मत दी कि मैं और ज़्यादा टूल्स क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए. हालांकि मेरे पास टाइम तो नहीं होता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, और अभी मेरा BSc मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ये आप लोग भी समझ सकते हैं इफ़ यू आर ए स्टूडेंट. तो फाइल में जाके न्यू क्रिएट करता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्टाइल्स टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा शेप्स पे भी, ऑब्जेक्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और स्टाइल्स में जाता हूँ. तो लास्ट टाइम हमने इसमें मज़ीद स्टाइल्स ऐड किए थे, पर मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होती है मैं तब इंपोर्ट करता हूँ. और अभी मैं इसके ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरे पास मज़ीद स्टाइल्स ऐड हो गए हैं. अब मैं जो इसके ऊपर ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और ये हर कैटेगरीज के मुख्तलिफ इसके अंदर डिज़ाइन पड़े हुए हैं. ऑसम कैटेगरी, ठीक है. कलर्ड मेटल्स, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और उनमें आप इंस्टॉल करने से पहले उनकी JPG फाइल भी देख सकते हैं कि हाँ भाई इस स्टाइल में क्या ख़ास बात है, और ये स्टाइल किस लिए यूज़ किया जा सकता है. ग्लास इफेक्ट, इनको आप एक्सट्रैक्ट करें, यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे जब आप डिज़ाइन क्रिएट करने होंगे. और अगर आपने इसको फील्ड को चूज़ करना है, तो आप ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है. इसको आप इंस्टॉल करें, देखें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और इसमें जो फाइल मैंने आपको दी है वो भी आपको पसंद आई होगी, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ईज़िली जाएँ, डाउनलोड करें, mega.nz का लिंक है, और होप सो कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी. और मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा.